Hi everyone, I'm Rahi and I'm back with the another question of chapter number 13, Hydrocarbons, class 11th NCERT textbook. In this video, I will be discussing question number 5 and it's on page number 397. So first of all, let's have a look on the question. Question is, an alkene A on ozonolysis gives a mixture of ethanol and pentane 3 on. Write structures and IUPAC name of A. Okay, so we need to find out the alkene which on ozonolysis gives the true product which is ethanol and pentane 3 on. हमें उस alkene का पता लगाना है. ठीक है? So देखिए हमें actual में क्या दिया हुआ है कि A जो भी कोई alkene हमें पता करना है इसके बारे में we need to find out. जब ये alkene जो A है it adds on with the ozone in the presence of zinc and water, हमें दो products मिलते हैं, ethanol and pentane 3 on. It is given in the question. ठीक है? See, during ozonolysis, an ozonide having a cyclic structure is formed. आपको पता है, जब हम ozonolysis करते हैं, तो हमें एक cyclic structure, जिसे हम ozonide कहते हैं, वो हमें मिलता है. ठीक है? और वो जो ओजोनाइट होता है आपको पता होगा वो इंटरमीडिएट होता है क्योंकि उस ओजोनाइट बनने के बाद भी उसमें ब्रेकअप होता है बाय द एडिशन ऑफ जिंक एंड वाटर टू इट. ठीक है? सो ओजोनाइट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर व्हिच इज ऑब्टेन्ड एज एन इंटरमीडिएट व्हिच अंडरगोस क्लीवेज टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट्स. ये भी आपको पता है. और फाइनल प्रोडक्ट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहे हैं? इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ऑन. ठीक है? तो अब उस पेंटेन 3 ऑन और इथेनॉल से हम क्या पता कर सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है ओजोनाइट का वो क्या होना चाहिए. सो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ ओजोनाइट इज एज फॉलोस. देखिए मेरे को मिला है इथेनॉल और पेंटेन 3 ऑन the final product after the what we say cleavage of the ozonide which is formed as the cyclic intermediate. ठीक है? तो अब मैं उस ozonide का आपको structure draw करके दिखाती हूँ. Expected structure so this is the expected structure of the ozonide. ये ozonide बना होगा. अगर हमें ethanol और pentane 3 on मिला है तो ये ozonide बना हुआ होगा as a intermediate after the ozonolysis of the alkene which we need to found out. ठीक है? तो जब इसका breakup होगा, देखिए जब breakup हुआ तो हमें यही मिला ना. इसको सपोज हम ब्रेकअप कर रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ जिंक एंड वाटर टू इट तो हमें इथेनॉल मिलेगा इस वाले साइड से और इस वाले साइड से पेंटेन 3 ऑन मिलेगा. दैट मींस ये वाला ओजोनाइट तो बनना ही बनेगा ही बनेगा. ठीक है? सो दिस इज द ओजोनाइट व्हिच इज फॉर्मड आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस ओजोनाइट इज फॉर्मड दिस ओजोनाइट इज फॉर्मड आफ्टर addition of ozone to A. ठीक है? So the desired product of A, जो हमें A का product चाहिए, it can be obtained by the removal of ozone from the ozonide. हमें जो अपना desired product चाहिए A का, जो एक alkene है, वो कैसे मिलेगा? अगर हम इस ozonide में से इस इन ओजोन को हटा दे, दैट मींस इन ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल्स को जो ओजोन के इनको हम रिमूव कर दें तो हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो ए का है एल्कीन वो ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है? सो आफ्टर रिमूवल ऑफ ओजोन फ्रॉम ओजोनाइड आफ्टर रिमूवल ऑफ ओजोन फ्रॉम ओजोनाइड we get our desired reactant.
या डिजायर्ड एल्कीन ए। तो अब इसको अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन को या ओजोन को रिमूव कर दूंगी तो मुझे मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3 और यहां भी CH2CH3। सो आई कैन से इट इज 3-methyl। अगर मेरे को ये मिला दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 तो मैं कह सकती हूँ इट इज 3-ethyl पेंट 2-ene, है ना। मैंने इसमें से मैं आपके ऊपर और अच्छे से मैं आपके ऊपर रिमूव करती हूँ सबको जो मैंने लिखा। प्लीज आपने लिख लिया होगा सब कुछ, है ना। मैं आपको और अच्छे से क्लियरली बताती हूँ। देखिए जो मेरे को एक्सपेक्टेड था अपना ओजोनाइट वो क्या था, वो ये था। ठीक है। अब ये मुझे कहां से मिला हुआ होगा, ओजोन से तो वेलकीन, तो इसमें से अगर ओजोन को डाल दू तो मेरे को अब क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ इसकी नंबरिंग करूं तो 1, 1, 2, 3, 4, 5 तो मैं कह सकती हूँ 3-ethyl, थर्ड पे इथाइल है। ठीक है, 3-ethyl पेंट 2-e। सो दिस इज द ए रिएक्टेंट, या आई शुड से दिस इज द डिजायर्ड एल्कीन विच विल रिएक्टेड विद ओजोन गिव्स दिस ओजोनाइड एंड दिस ओजोनाइड आफ्टर क्लीवेज गिव्स टू मेजर प्रोडक्ट्स इथेनॉल एंड पेंटेन 3-ON। सो दिस इज द डिजायर्ड रिएक्टेंट और एल्कीन 3-ethyl पेंट 2-E। ठीक है, सो आई पैक नेम ऑफ ए भी लिख दिया और ए को मैंने बता भी दिया कि ए ये वाला एल्कीन था। आई होप द सॉल्यूशन इज वेरी मच क्लियर टू यू। Still, if you're having any doubt regarding the solution of this question, then please do mention your doubts in the space given below. Well, this brings me to the end of the session and it's me, Ravi, saying you all goodbye.